हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसमें आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व क्या है, और पुरातत्व विज्ञान को दुनिया में इतना प्रमुख विज्ञान क्यों माना जाता है, और क्यों जो है इस विज्ञान को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। आर्कियोलॉजी इज़ द साइंस थ्रू विच नॉलेज ऑफ द मटीरियल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट कैन बी ऑब्टेंड बाय एक्सकेवेटिंग द मटीरियल्स हिडन इन द अर्थ्स फॉर्म। आर्कियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, एक ऐसी साइंस है स्टूडेंट्स जो कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो कलाकृतियाँ होती हैं या जो मटेरियल्स होते हैं, उनके थ्रू वो ये पता लगाता है कि जो हमारे अतीत के जो मानव थे वो किस प्रकार से अपनी भौतिक चीज़ों को इस्तेमाल में करते थे और किस प्रकार से उनकी भौतिक लाइफ थी। तो इस प्रकार से जो आर्कियोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस होती है जो कि हमारे आज के मानव का परिचय कराती है हमारे अतीत की सभ्यताओं के साथ, और जो पृथ्वी के गर्भ में मिली हुई कलाकृतियाँ होती हैं उनका वो गहन अध्ययन करती हैं, और गहन अध्ययन करके वो उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करती हैं। आर्कियोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सटिंक्ट कल्चर्स फ्रॉम द फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन बिहेवियर और थिंग्स पीपल मेड और यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड। जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है ये क्या करता है कि जो हमारे अतीत के मानव होते हैं वो जो अपने इस्तेमाल की गई चीज़ें होती हैं या वो जो पीछे अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं, तो उन चीज़ों का जो बिहेवियर होता है, यानी कि किस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें बनाई होती हैं, किस तरीके से क्या उन्होंने उसमें धातु यूज़ की होती है, किस तरीके का उनका बौद्धिक विकास होता है, तो जो पुरानी संस्कृति होती है, तो ये जो पुरातत्व विभाग होता है पुरानी संस्कृति को, विलुप्त हो गई संस्कृति को दोबारा से पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखता है, और ये एक तरीके से उस पूरी संस्कृति के ऊपर अध्ययन करता है और उसका पुनर्निर्माण करता है। दीज रिमेन्स और कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स, जो जितने भी रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं जो कि हमारे अतीत के मानव अपने पीछे छोड़ जाते हैं, इन्हीं को कलाकृतियाँ कहा जाता है। फॉर दिस कॉइन्स inscriptions, ruins and monuments left by ancestors, old architecture tools, devices, biological facts and landforms, etc. are studied। और इन सारी चीज़ों में ये जो सारी की सारी जो कलाकृतियाँ होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे मानवों द्वारा छोड़े गए सिक्के हो सकते हैं, कुछ मोन्यूमेंट्स हो सकते हैं यानी कि खंडर हो सकते हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कुछ इमारतें होती हैं, उसी के साथ कुछ औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे उनके बनाए हुए बर्तन वगैरह होते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो कलाकृतियाँ कहलाती हैं, और ये कलाकृतियों के ऊपर ही पुरातत्व विभाग जो है वो पूरी तरह से अध्ययन करता है, स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद वो पूरी एक संस्कृति के ऊपर एक कहानी लिखने में सक्षम होता है, और इस प्रकार से वो जान पाता है कि जो सभ्यता विलुप्त हो गई इसमें जो मानव रहते थे वो किस प्रकार का जीवन जीते थे और किस प्रकार से उनका जो सामाजिक दायरा था वो फैला हुआ था और किस तरीके से वहाँ पर कानून व्यवस्था थी या किस तरीके से उनका रहन सहन था। उनका रहन सहन बिल्कुल गया गुजरा था या वो एक बहुत ही समृद्धशाली जीवन को जिया करते थे। तो इस प्रकार पुरातत्व विभाग जो है, जो हमारे प्राचीन मानव हैं या हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा छोड़ी गई जो अवशेष होते हैं उन्हीं अवशेषों को कलाकृतियाँ मानकर संग्रहित करता है और उनके ऊपर अपनी स्टडी को करता है। आर्कियोलॉजी इज़ अ मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशंस ऑफ एनी रेस। अभी जो हमारा पुरातत्व का साइंस होता है ये किसी भी संस्कृति के इतिहास को जानने का एक मजबूत स्तंभ है और एक ये बहुत ही बड़ा साधन है जो किसी भी पुरानी से पुरानी संस्कृति के इतिहास को जान सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैज़ बीन रिटन। और इसी के बेस पर, यानी कि पुरातत्व
साइंस के ही आधार पर एक स्टोरी लिखी गई हड़प्पा सभ्यता के ऊपर या फिर इंडस वैली सभ्यता के ऊपर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, या आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर एक पूरी की पूरा पूरी कहानी जो लिख दी गई किसके द्वारा, इसी पुरातत्व विभाग के द्वारा। क्योंकि ये जो पुरातत्व विभाग है ये अपने आप में ही एक इतना बड़ा साइंस है जो एक छोटी से छोटी चीज़ का गहन अध्ययन करके उसके पीछे की सारी कहानी को हमारे सामने लाकर रख सकता है। और यही वो साइंस है जिसके द्वारा आज का जो मानव है पुराने अतीत से, अपने पुराने मानव की सभ्यताओं से परिचित हो सकता है। आर्कियोलॉजी इज़ अ फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, सो वी स्टडी टू लर्न अबाउट आवर पास्ट एंड ओरिजिन्स। अब जो ये पुरातत्व का जो साइंस है ये एक इतिहास का ही रूप माना जाता है, क्योंकि इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, इसकी स्टडी से हम अपने अतीत को और अपने अतीत की उत्पत्ति को जान पाते हैं। आर्कियोलॉजी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब जो आर्कियोलॉजी है ये पूरा का पूरा मानव जाति का ही एक विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें कितने भी हजारों साल पुराना कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, वो किसी मानव का शरीर भी हो सकता है, उसकी अस्थियां भी हो सकती हैं, या वो कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। अगर इनको किसी भी चीज़ का सबूत मिल जाए तो इस विज्ञान में इतनी ताकत है कि वो उससे संबंधित सारे के सारे साक्ष्यों को जुटा पाता है, और जुटाकर 100% ना सही लेकिन लगभग लगभग इसके बिल्कुल करीब करीब जाकर वो पूरे तथ्य हमारे सामने रखने की हिम्मत रखता है। तो इसी वजह से जो पुरातत्व विभाग है ये पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस है, और इसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें अपने अतीत की सभ्यताओं के बारे में जानने की, या अपने अतीत के जो पुराने से पुराने मिश्र में ममीज़ के रूप में राजा महाराजाओं की डेड बॉडीज रखी गई हैं, तो उसके ऊपर भी यही वाला विभाग कार्य करता है। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, की जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं यानी कि जो पुरातात्विक उत्खनन होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में ही आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक को। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इज द प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली डिगिंग अप एंड डॉक्यूमेंटिंग कल्चरल ऑब्जेक्ट्स बरीड इन द अर्थ। की जो पुरातत्व उत्खनन है वो पृथ्वी में दबी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को सावधानी पूर्वक खोदने और उनका दस्तावेजीकरण करने की प्रथा होती है। तो इस उत्खनन में हम क्या करते हैं कि जो पृथ्वी के नीचे हजारों साल पहले की जो सांस्कृतिक विरासत होती है जो कि दब जाती है, तो उसको हम सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं और उनका दस्तावेजीकरण करते हैं, यानी कि उनको हम लिखित में उसकी सारी की सारी जो जानकारी होती है उसको हम लिखते हैं और दुनिया के सामने हम अपने इतिहास को उजागर करते हैं। तो जो पुरातात्विक उत्खनन है ये इसी प्रथा को कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स लोअरिंग द लेवल ऑफ द अर्थ इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू एक्सपोज आर्टिफैक्ट्स फीचर्स एंड बिल्डिंग्स। अब ये पुरातात्विक उत्खनन है इसमें ये कैसे किया जाता है, तो इसमें कलाकृतियों विशेषताओं और इमारतों को उजागर करने के लिए नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के स्तर को नीचे करना शामिल होता है। तो क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, इसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी के स्तर को नीचे करते हैं यानी कि जो हम जमीन की खुदाई करना शुरू करते हैं तो उसको हम एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से करते हैं, और इसमें हम जो विशेष कलाकृतियां जो पृथ्वी के नीचे दब जाती हैं उनकी विशेषता और इमारतों को उजागर करते हैं, और इसी उजागर करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि पृथ्वी को हम गहराई से खोदते चले जाते हैं। लेकिन ये बड़े ही एक नियंत्रित तरीके से खुदाई होती है, ऐसा नहीं कि हमने जहाँ चाहा वहाँ इसको इसकी खुदाई कर दी, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये खुदाई करनी होती है। तो पढ़ेंगे इसमें कि व्हाई इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इंपॉर्टेंट, कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑफर्स अ डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट कनेक्शंस विद द पास्ट। तो पुरातात्विक उत्खनन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अतीत से सीधा और ठोस संबंध प्रस्तुत करता है, क्योंकि अतीत में जो हमारी विरासत धरती के नीचे दब जाती है तो उससे सीधा और ठोस संबंध ये प्रस्तुत करता है, उसको हमारे सामने उजागर करता है, हमारे अतीत के इतिहास को हमारे सामने लेकर आता है। मटेरियल्स फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स अनकवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड
कल्चरल ट्रेडिशंस। खुदाई के दौरान उजागर हुई सामग्रियों, विशेषताओं और संरचनाओं का उपयोग पिछली मानवीय गतिविधि, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जब खुदाई की जाती है तो खुदाई के दौरान जो उजागर होती हैं सामग्रियाँ, तो उसकी विशेषता और संरचनाओं का उपयोग करके जो मानवीय गतिविधियाँ, जो यानी कि जो अतीत में जो मानव रहते थे उनकी क्या गतिविधि थी, क्या सामाजिक संगठन था, क्या उनकी सांस्कृतिक परंपराएँ थी, तो उनको फिर से बनाने के लिए इसका जो पुरातात्विक उत्खनन है इसका प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, के आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन के जो विभिन्न स्टेजेस हैं, चरण होते हैं, वो क्या क्या हैं। द स्टेजेस ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इंक्लूड प्लानिंग, साइट प्रिपरेशंस, एक्सकेवेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, एनालिसिस एंड क्यूरेशन। पुरातात्विक उत्खनन में सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर साइट की तैयारी की जाती है कि आखिर किस जगह पर यह उत्खनन करना है। उत्खनन का फिर दस्तावेजीकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसका क्यूरेशन इसमें शामिल होता है। तो जो पुरातात्विक खनन के जो चरण होते हैं वह बहुत सारे चरण होते हैं। सबसे पहले ऐसा नहीं कि किसी भी जगह जाकर खुदाई शुरू कर दी जाए, सबसे पहले उसकी पूरी एक योजना बनाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इन सभी चरणों को शामिल किया जाता है, तब जाके ये जो पुरातात्विक उत्खनन है इसकी प्रक्रिया जो होती है वो शुरू की जाती है। ईच स्टेप्स इज केयरफुली प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू वेरीफाई दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द साइट एंड द डाटा कलेक्टेड इज सिक्योर। तो अब हम जानेंगे कि ये सत्यापित करने के लिए कि साइट की अखंडता और एकत्र किया गया डाटा सुरक्षित है, प्रत्येक चरण की सावधानी पूर्वक योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है कि जब जो साइट से जो हमें डाटा मिलता है तो वो डाटा सुरक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि उस डाटा में कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही महान कलाकृतियाँ होती हैं, एक बहुत ही कीमती सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती है वो वहाँ पर दबी हुई होती है। तो ये सत्यापित किया जाता है कि साइट से जो हमें डाटा मिला वो सुरक्षित है और इसी वजह से इसके प्रत्येक चरण की जो सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है और उसको इस बाद उस पर कार्य किया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।